हाय गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 ड्रामों की जो पूरी दुनिया में पसंद किए गए। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ये लिस्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई ऐसा ड्रामा जो आपने मिस कर दिया हो तो इस लिस्ट को देखकर वो ड्रामा देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की ड्रामा लिस्ट आप इंजॉय कर सकें। नंबर 10 पर जो ड्रामा पूरी दुनिया में मकबूल हुआ वो है संगे माँ। 2022 का बेहतरीन ड्रामा था ये, जिसमें पठानों की रवायात को दिखाया गया। इस ड्रामे में आतिफ असलम ने शानदार अदाकारी की। इनका ये पहला ड्रामा था। इसके साथ ही लीड रोल में कुबरा खान नजर आई। इस ड्रामे के कुछ सीन्स तो कमाल के थे, जिनको देख कर काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। जहाँ पाकिस्तान के इतने ड्रामास चल रहे थे, वहाँ इस ड्रामे ने मुख्तलिफ स्टोरी की बिना पर पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। इसके अलावा इस ड्रामे में हानिया आमिर और जाविया नुमान भी नजर आए। नंबर 9 पर जो ड्रामा पूरी दुनिया में मकबूल हुआ वो है गुले राना। गुले राना सजल अली और फिरोज़ खान का बेहतरीन ड्रामा था। ये वो ड्रामा था जहां से इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई। इस ड्रामे में आपको इमोशंस, सस्पेंस और रोमांस देखने को मिलेगा। इस ड्रामे में गुले राना का किरदार सजल अली ने अदा किया। सजल अली और फिरोज़ खान की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। ये ड्रामा 2015 में ऑनियर हुआ और पूरी दुनिया में देखा गया। नंबर 8 पर है मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो ड्रामा अपनी बेहतरीन डायलॉग की वजह से मकबूल तरीन पाकिस्तानी ड्रामा है। ड्रामा मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर ने लिखा। ये एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जिसके डायलॉग ही ऐसी कशिश रखते हैं कि देखने वाले को मुकम्मल ड्रामा देखने पर मजबूर करते हैं। ड्रामे में दानिश का किरदार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार था, जिसकी बीवी सिर्फ इसको पैसों के लिए छोड़ देती है। शानदार कास्ट में हुमायूं सईद, आयजा खान, इदनान सदीकी और हिरा मानी शामिल हैं। नंबर 7 पर है दो बोल। दो बोल पाकिस्तानी रोमानवी ड्रामा था, जिसमें गीती और बदर की कहानी दिखाई गई। हर ड्रामे की तरह इस ड्रामे में भी आपको सास बहू के दरमियान नफरत देखने को मिलेगी। इस ड्रामे का ओएसटी शानदार था। ड्रामे में हीरा मानी और अफान वहीद नजर आए। ड्रामे के हिट होने की वजह से इस ड्रामे का दूसरा सीजन गलती भी ऑनियर किया गया। नंबर 6 पर है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। ये ड्रामा अपने पहले सीजन्स की तरह शानदार था, जिसमें आपको शदीद मोहब्बत, सस्पेंस और नफरत देखने को मिलेगी। ड्रामे में पहले सीजन्स के मुकाबले दो नए किरदार मुतारिफ करवाए गए, जो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। अदाकारा इकरा अजीज़ और फिरोज़ खान इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। इस ड्रामे के प्रोमो ओएसटी काफ़ी ज़्यादा हिट गए। नंबर 5 पर है मन माइल। मन माइल रोमांटिक कहानी पर मबनी था, जिसमें एक लड़की मोहब्बत के पीछे मुश्किलात बर्दाश्त करती है। मिनाहिल और सलाहुद्दीन की इस कहानी को देखने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। कास्ट में माया अली, हमजा अली अब्बासी, आयशा खान, गोहर रशीद शामिल हैं। इस ड्रामे का ओएसटी भी शानदार था। ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 4 पर है प्यारे अफजल। प्यारे अफजल ड्रामा ही वो ड्रामा था जिसने आयजा खान और हमजा अली अब्बासी को नई पहचान दी। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर के तहरीर करदा इस ड्रामे में मिडिल क्लास तबके के लोगों के दरमियान मोहब्बत दिखाई गई। ड्रामे में दिखाई जाने वाली मोहब्बत ही ड्रामे को देखने के लिए मजबूर करती है। इसकी शानदार कास्ट में सना जावेद, उष्णा अब्बासी, सुहाए अली, आयजा खान, हमजा अली अब्बासी शामिल थे। नंबर 3 पर है दयारे दिल। दयारे दिल पाकिस्तानी रोमानवी ड्रामा है, जिसने तनकीदी पजीराई हासिल की। ड्रामे में ख़ानदानी मसाइल, कुर्बानियों, बड़ों के तकबर और बच्चों की गलतियों को दिखाया गया। शानदार कास्ट में आबिद अली, उस्मान खालिद भट्ट, माया अली, सनम सईद, हरीम फारूक, अली रहमान, मिकाल जुल्फिकार शामिल हैं। नंबर 2 पर है ज़िंदगी गुलजार है। ज़िंदगी गुलजार है एक पाकिस्तानी बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे में दिखाया गया कि कैसे मिडिल क्लास तबके के लोग अपर क्लास तबके से मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा ड्रामे में जारून और कशफ की बेमिसाली मोहब्बत भी दिखाई गई, जो अपने स्टेटस को छोड़कर अपनी मोहब्बत का साथ देते हैं। शानदार कास्ट में सनम सईद, फवाद खान, समीना पीरजादा शामिल थे।
नंबर वन पर हम सफ़र है। हम सफ़र पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जिसमें खिरत और अशर की कहानी दिखाई गई। ड्रामे में दिखाया गया कि कैसे इनके वालदैन इनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं जो बाद में मोहब्बत की शादी में तब्दील हो जाती है। इस ड्रामे में विलन का किरदार नवीन वकार ने अदा किया। शानदार कास्ट में मायरा खान, फवाद खान, नवीन वकार शामिल थे।